आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। किन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं? एक तो नारा है आपका कि हाउस टैक्स साफ और वाटर टैक्स माफ। भ्रष्टाचार साफ, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों में के कुशासन, ये लोग एसी वाले लोग हैं। हमारे विपक्षी दल किसको एसी वाला? तीनों लोग को एसी, भाजपा, सपा, कांग्रेस, तीनों लोग एसी वाले हैं। जनता के बीच ये जाते नहीं हैं। मिर्जापुर की सारी सड़कें ध्वस्त, पेयजल की समस्या विकराल है। मिर्जापुर की जनता कहाँ रही है? और ये भारतीय जनता और विपक्ष के जो भी लोग हैं वो लोग एसी से बाहर नहीं निकलते हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी के विजन को लेकर चुनाव में गई है। पिछली बातें तो समाप्त है, मास्टर प्लान किसके पास है? जीतने के बाद क्या आप करेंगे व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए? ये नगर पालिका में बहुत जरूरी है, इसको बताएं। ये मैं पूछता हूँ। बिल्कुल, मेरा सर, मैं युवा हूँ और युवा रोजगार चाहता है। मैं बीजेपी के ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग हैं। मैं एक शायरी के सभासद भी हैं। जी नहीं सर, वर्तमान में थे, अभी तो हो गया है। तो क्या काम किया? मैंने बहुत विकास किया है सर। मेरा एक सवाल सर है, मैं शायरी के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में मैं फना, कैसे हो जाऊँ मैं तेरी इबादत में फना। मैंने मांगी थी नौकरी और तूने दे दी तेल नमक चना। सबसे पहला तमाचा मैं मानने जा रहा हूँ। अगर पार्टी इतनी ही निष्पक्ष थी, इन्होंने इतना काम किया है, तो इनको पार्टी में प्रत्याशी बदलने की नौबत ना आती। जो हम लोग विगत 5 महीनों से इन्होंने प्रत्याशी बदलने का काम किया, लेकिन आज हमारे सामने एक मनोज श्रीवास्तव जी खड़े हुए हैं। आज जितना इन्होंने पार्टी के लिए किया, जो एक ऐसे कार्यकर्ता का नहीं हुआ जो 40 सालों से पार्टी के लिए काम किया, वो नगर पालिका के हमारे आम आदमी का क्या होगा? 70 साल की सरकार में कांग्रेस के द्वारा जो है मिर्जापुर में जो है बहुत से काम कराए गए, पर नाला, पेयजल की व्यवस्था या अन्य जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई, मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं थी। और आज जब मोदी सरकार ने पेयजल अमृत योजना के अंतर्गत मिर्जापुर में 1400 करोड़ रुपए की लागत से पूरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पेयजल की व्यवस्था बनाने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, और बिना विनाश के विकास हो ही नहीं सकता। बिना विनाश के विकास क्या कह रहे सर? मैं यहाँ इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो ये बेच रहे हैं भाजपा वाले, वो किस सरकार में बना था? ये कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं कांग्रेस सरकार में। अगर ये जो बेच रहे हैं, एयरपोर्ट हो गया या जो भी सरकारी चीज हो गया बेच रहे हैं, वो किसके दम पे बेच रहे हैं या खुद बना के बेच रहे हैं? एक मिनट, ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक बार जरा सा, जो प्रतिनिधि यहाँ पर भाजपा के हैं, प्रत्याशी भी हैं, इतनी सारे सवाल हैं। देखिए, धूल है इस शहर में, मैंने देखा सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं मिर्जापुर में कुछ देर अभी वक्त गुजार के आपसे बात कर रहा हूँ, और 2 बार जब आपका यहाँ पर चेयरमैन रहा तो जवाबदेही तो आपकी बनती है। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये प्रश्न लोगों के मन में भी है, इनका उत्तर आप दें। मैंने पहले ही बताया, जब विकास का काम होता है तो कुछ दिक्कतें आती हैं, और ये विकास के लिए नगर पालिका में जो भी पाइपलाइन जर्जर हो चुकी तो उसको बदलने का काम अमृत योजना के तहत हो रहा है। मिर्जापुर की जनता ये जानती है। आप कह रहे हैं कि लगातार, हाँ जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वैसे के वैसे है। जब राजकुमारी खत्री को मैंडेट दिया था जनता ने, तो राजकुमार खत्री के शासन को मनोज जायसवाल चला रहे थे, फिर मनोज जायसवाल आगे सत्ता में पूरा लूटा, और हमें लग रहा है कि चेहरा बदल गया है चरित्र भारत। ऐसा ऐसा है क्या? एक सेकंड मनोज जी एक बार ऐसा है क्या? देखिए, 2 बातें हैं, ये सच है कि वर्तमान चेयरमैन ने मिर्जापुर नगर पालिका को नरक पालिका बना दिया, इस सच है। अच्छा ठीक है, भाजपा का जवाब अजय, जो ये आरोप लगा रहे हैं इस तरह सर गलत आरोप है। मैं भाई के बात का जवाब देना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि आप 40 साल से हैं, जो मेरे इतिहास को नहीं जानते हैं वो जान ले। मैं भी 49 साल का हूँ, 9 साल का था तब से संघ की स्वयं सेवक रहा हूँ, शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, विद्यार्थी परिषद में 11 वर्षों तक काम किया है, 40 साल से भी मैं भारतीय जनसंघ इस विचारधारा इस आइडियोलॉजी के लिए मैंने काम किया है, और इस आइडियोलॉजी के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ा है। 40 साल मेरा भी संगठन में आयु हो गया है, यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोग जानते हैं। मिर्जापुर की सड़कों पे व्यापारियों की लड़ाई मैंने लड़ा है, नौजवानों की लड़ाई लड़ा है, कैंपस की राजनीति मैंने किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 11 वर्षों तक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।